बैंड बजाती। बहुत ठंड है। ये आग भी बुझ गई। अब हम इसे दोबारा जलाएंगे कैसे? ये ठंड तो सही नहीं जा रही। आग जलाना होगा। फिकर नॉट अम्मा। हाँ? आग जलाने के लिए हमारे पास पत्थर है ना? सही कहा बेटा, हम पत्थरों को घिसकर आग जला लेंगे। अरे अम्मा जरा पत्थर तो देना। अभी देती हूँ, ये लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आदमी ने आग की खोज किस तरह की थी। ये देखो। अरे पत्थर टूट गए। आग की खोज रह गई। अप्पा, अब आग जलाने के लिए घर में एक भी पत्थर नहीं है। अब क्या करें? आग जलाने के पत्थर, ऐसा एक भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। ये कैसा पत्थर है? तोते चैन किस्मत वाला है, उसके इतने बाल है कि उसे ठंडी नहीं लगती। अम्मा अम्मा देखो, मुझे चमकने वाला पत्थर मिला। गौन, हम ऐसे पत्थर ढूंढ रहे हैं जिनसे आग निकले, कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं। फेंक दो इसे, ये हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा, अगर पीको यहाँ होती तो इस पत्थर को कभी नहीं फेंकती। बहुत ठंड है। इस तरह हमें गर्मी मिलेगी। हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ में रहेंगे। ठंड कम लगेगी। लेकिन अब हमेशा तो इस तरह नहीं रह सकते ना। बस बहुत हो गया, हम पत्थरों के भरोसे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हमें किसी और तरीके से आग जलानी होगी। अप्पा, लकड़ी घुमाने से क्या होगा? ये क्या कर रहे हो? बस तुम देखते जाओ, मैं आग जला कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना तुम, मैं जला कर ही रहूंगा। जल जा 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 दौड़ते रहो। दौड़ने से हमारे शरीर में गर्मी आती है। लेकिन अप्पा, अगर हम इसी तरह दौड़ते रहे तो हम थक जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम ऐसे ही थोड़ी दौड़ रहे हैं, हमें एक जगह पहुंचना है। हाँ, बस तुम देखते जाओ। शाबाश, हम पहुंचने वाले हैं। ज्वालामुखी के पास हमेशा गर्म पानी की झील होती है। देखो, हम पहुंच गए। अरे वाह! वाह, ये तो कमाल की जगह है। मजा आ गया, गर्म पानी की झील। धत्तेरी की। क्यों गौन, गर्मी मिल रही है ना? मिल रही है, लेकिन चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो, वरना हमें इतनी गर्माहट भी नहीं मिलेगी। अप्पा, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ज्यादा देर रह पाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि अगर बिना मेहनत किए गर्मी मिल रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है। माऊ, लगता है मेहमत मेरे हंसने से बुरा मान गए और चले गए। बिजली कड़क रही है। ये तो जल्दी चलो, हम इस आग को अपने घर ले चलेंगे। क्या बारिश आ गई। ये तो बुझ गई। आग का मुंह ठंडा हो गया। हम उसे ले चलेंगे। फिर
बुझ गई। अब क्या करें? बिजली चमकाने वाले एजेंट, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए जो बारिश के एजेंट से डर रहे हो? अरे मैं तो रॉकेट बन गया। लो ये आग भी बुझ गई। बिजली चमकाने की एजेंट, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये लो। लग गई। ओ हाँ, अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब देखो जरा मेरा कमाल। देखा माँ, अब आग जलाने के लिए हमें किसी पत्थर की जरूरत नहीं। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह हम जितनी बार चाहें आग जला सकते हैं, वो भी कहीं भी कभी भी। ये लो। लेकिन अम्मा, मुझे इस चमकते पत्थर से बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, 10-20 बार आग जलाने के बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी।